नमस्कार। आज 1 फरवरी हो गई, एग्जामिनेशन के केवल 1 मंथ बाकी है। परेशान न हो, किसी तरह की बेचैन या घबराहट नहीं होनी चाहिए। केवल मन लगाकर अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा अपने खेल पर भी ध्यान रखें। शाम को थोड़ा सा 1 घंटे के लिए आप जरूर खेलें। मैंने यहाँ पर आपके लिए 4 क्वेश्चंस क्रिएट करें। यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में, बोर्ड में, तो इनमें से ही कोई एक आएगा, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, तो यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और दूसरे चैप्टर की आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। उनमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन क्रिएट करे हैं, उन्हें सॉल्व करने की आप जरूर कोशिश करें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। चलिए इन क्वेश्चनों को समझते हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, एक डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एन है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव ये करना है कि केवल एन, एन प्लस टू और एन प्लस फोर में से केवल एक नंबर ही, या तो ये या ये या ये ही डिविजिबल बाई क्या होगा? 3 होगा, राइट? दूसरा वो करना है कि कोई भी लगातार 3 नंबर लें, कोई भी 3 इंटीजर लें, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लें लगातार 3, तो उनमें से एक जो है डिविजिबल बाई क्या होगा? 3 होगा। ये आपको प्रूव करना है। आपको ये भी प्रूव करना है कि एन क्यू माइनस एन डिविजिबल बाई 3 होगा। यहाँ पर एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। और आपको ये प्रूव करना है कि एन, एन प्लस फोर, एन प्लस एट, एन प्लस ट्वेल्व, एन प्लस 16 में से केवल एक नंबर ही डिविजिबल क्या होगा? 5 होगा। ये 4 क्वेश्चन एक तरह से प्रूव करे जाएंगे। इनको प्रूव करने का एक ही मेथड है, ठीक है ना? मैं इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपके लिए। कौन सा सॉल्व करूं? लास्ट, ठीक है? मैं इस लास्ट क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करूंगा। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन होंगे। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, राइट? चलिए एक बार इन कॉपी कर लीजिए आप। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक डिफरेंट तरीके से, और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के दूसरे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें? इस क्वेश्चन में ये करना है कि n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16 में से केवल एक नंबर ही डिविजिबल बाई 5 होगा। n यहां पर क्या है? n यहां पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम एक पॉजिटिव नंबर को, एक पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक डिफरेंट तरीके से। इक्वलेट के लेमिना के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी थी। कैसे लिख सकते हैं एक नंबर को? हम लिख सकते हैं वी कैन एक्सप्रेस ए नंबर सॉल्यूशन वी कैन एक्सप्रेस ए नंबर इन द फॉर्म, किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? किसी नंबर को हम लिख सकते हैं, मान लेता हूं नंबर n है, उस नंबर को लिख सकते हैं हम 5q+r, ठीक है? हम चाहें तो यहां पर 6q+r भी लिख सकते हैं, 4q+r लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसे 5q+r लिख रहे हैं तो r क्या हो सकता है? हमारे पास r जो है 0 होगा, और 0 से ग्रेटर होगा, और 5 से क्या होगा? लेस होगा। यदि हम पर 4q+r लिखते तो r क्या होता? 4 से लेस होता, राइट? मैं यहां पर 5q+r क्यों लिख रहा हूं? 4q+r क्यों लिख रहा हूं? लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इश्यू नहीं है। 5 क्योंकि डिविजिबल बाई 5 चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको 5q लिख रहा हूं। कैलकुलेशन थोड़ी मेरे लिए ईजी हो जाएगी, कैलकुलेशन ईजी की भी नहीं होगी। आप चाहें तो आप उसे 4q+r भी लिख सकते हो, ठीक है ना? ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आप चाहो तो 6q+r भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आर क्या होगा उस केस में। चलिए इस केस में फर्स्ट क्या करते हैं, आर इक्वल टू क्या लेते हैं? केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आर इक्वल टू जब 0 लेते हैं आप, तो आपके पास एन क्या हो जाएगा? एन आपके पास हो जाएगा जब आपने इसको 0 लिया, तो कोई भी नंबर हमेशा किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? 5q फॉर्मेट में, इस नंबर में आएगा, ठीक है? अब हम ये देखेंगे जब हमारे पास n की वैल्यू 5q है, तो यहां पर पुट करने पर n में से केवल एक नंबर ही डिविजिबल बाय क्या हुआ? 5 हुआ। अब यहां लिखें वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालें? नंबर एक निकालें, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी साहब, इस n की जगह 5 की पुट कर दो, ये आ जाएगा। और किसकी वैल्यू निकालें? n प्लस 4 की वैल्यू निकालें,
तो एन प्लस फोर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फाइव क्यू प्लस फोर। एन प्लस एट की वैल्यू निकालें, एन प्लस एट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव क्यू प्लस एट हो जाएगा, ठीक है सर। फिर किसकी वैल्यू निकालें, एन प्लस ट्वेल्व की वैल्यू निकालें, और एन प्लस ट्वेल्व की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, फाइव क्यू प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। और एन प्लस सिक्सटीन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव क्यू प्लस सिक्सटीन हो जाएगा। अब हमें ये दे बताना है कि साहब एन में से केवल एक नंबर ही डिविजिबल बाई फाइव हो रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कौन सा नंबर डिविजिबल बाई फाइव है, इनमें से केवल डिविजिबल बाई फाइव का मीनिंग क्या है, डिविजिबल बाई फाइव का मीनिंग है जो फाइव से डिवाइड हो जाए या उनमें से फाइव कॉमन आ जाए। आप देख रहे हो कि इसमें से फाइव कॉमन आ जाएगा, ये नंबर डिविजिबल बाई क्या होगा, फाइव आएगा, लेकिन इन दोनों में से फाइव कॉमन नहीं आएगा तो ये नंबर फाइव से डिवाइड नहीं हो पाएगा। ये नंबर भी फाइव से डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें फाइव कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू एक इंटीजर है, क्यू वन टू थ्री फाइव कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। आप यहाँ पर पुट करें, मान लेता हूँ क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पर फाइव पुट करी या सिक्स पुट करी, तो सिक्स फाइव या थर्टी प्लस फोर कितना हो गया, थर्टी फोर हो गया, ये डिविजिबल बाई क्या होगा, फाइव नहीं होगा। या जिनमें से फाइव कॉमन आ रहा है वही नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाई फाइव होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि दिस इज द डिविजिबल बाई ओनली ओनली दिस नंबर नंबर डिविजिबल बाई बाई फाइव, ये नंबर ही क्या हुआ, डिविजिबल बाई फाइव होगा। ये नंबर नॉट डिविजिबल बाई फाइव, नॉट डिविजिबल बाई फाइव, ये चारों नंबर जो हैं डिविजिबल बाई फाइव नहीं होंगे, ठीक है सर। अब क्या लेंगे, हमारे पास के सी फर्स्ट था, अब के सेकंड ले लीजिए। जब आप के सेकंड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के सेकंड में आप ये लिखेंगे कि आर बराबर कितना है, जीरो ले लिया, आर बराबर कितना है, वन है। जब आपके पास आर बराबर वन होगा तो एन क्या हो जाएगा, आपके पास जो एन है वो हो जाएगा फाइव क्यू प्लस वन, ठीक है। अब आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे इन सब की, निकालिए वैल्यू ऑफ एन, तो वैल्यू ऑफ एन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एन हो जाएगी, आप एन की क्या पुट करेंगे, एन की पुट करेंगे फाइव क्यू प्लस वन, तो ये हो जाएगा सर फाइव क्यू प्लस वन। अब आप इसकी वैल्यू निकालोगे एन प्लस फोर की, तब एन प्लस फोर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एन की जगह क्या पुट करोगे, आप एन की जगह पुट करोगे फाइव क्यू प्लस वन, तो ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस वन और प्लस फोर है, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा फाइव क्यू प्लस फाइव, राइट। अब आप फिर किसकी वैल्यू निकालोगे, एन प्लस एट की वैल्यू निकालोगे, मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस वन प्लस एट, ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव क्यू प्लस नाइन हो जाएगा। फिर वैल्यू निकालोगे आप एन प्लस ट्वेल्व की, तो यहाँ पर एन क्या पुट करोगे, एन पुट करोगे फाइव क्यू प्लस वन, तो फाइव क्यू प्लस वन प्लस क्या लिखोगे, ट्वेल्व लिखोगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस थर्टीन। और फिर यहाँ पर n प्लस सिक्सटीन की वैल्यू निकालोगे तो n प्लस सिक्सटीन की वैल्यू कितनी आएगी, फाइव क्यू प्लस वन प्लस सिक्सटीन, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव क्यू प्लस सेवनटीन। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर फाइव से डिवाइड है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है सब इनमें से एक ही डिवाइड होगा फाइव से, तो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, राइट। ये नंबर जो है फाइव से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, इट्स डिविजिबल बाई डिविजल बाई फाइव, बट दीज आर नॉट डिविजल बाई फाइव, ठीक है, इट्स नॉट डिविजल बाई फाइव, नॉट डिविजल बाई बाई फाइव, ये फाइव से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये भी फाइव से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये नंबर भी फाइव से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि जब आप सेकेंड केस में एन की वैल्यू फाइव क्यू प्लस वन रख रहे हो तो ये नंबर डिविजल बाई फाइव नहीं हो रहा है, मेरी बात समझ में आ गई आपके। अब केस सेकंड था ये, अब केस थर्ड क्या बन सकता है आपका, केस थर्ड ये बन सकता है कि आर की वैल्यू आप क्या लें, आर की वैल्यू टू लें, फिर आर की वैल्यू क्या पुट करें, थ्री लें, फिर आर की वैल्यू फोर लें, हमारे पास कितने केस बनेंगे, हमारे पास फाइव केस बनेंगे, हमने टू केस रखे,
बस में आ गई। दो केस रखें, अभी कितने केस और बनेंगे? थ्री केस और बनेंगे। एक, चलो एक केस और सॉल्व करूंगा, आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए। चलिए इसका थर्ड केस लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड केस क्या हो जाएगा? केस थर्ड ये हो जाएगा कि आप आर की वैल्यू क्या लेंगे, आपने जीरो ले ली, वन ले ली, अब टू ले लो। जब आप आर की वैल्यू टू लेंगे तो एन क्या हो जाएगा? एन आपके पास जो है वो 5q+2 हो जाएगा। अब भाई इस एन की वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ सब जगह पुट करो, और पुट कर देखो कौन सा नंबर डिविजल बाई 5 हो रहा है। आप देखोगे उनमें से केवल एक नंबर ही क्या हो रहा है, डिविजल बाई 5 हो रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की ईमानदारी से कोशिश करिएगा, राइट। और मैंने तीन क्वेश्चन और दिए हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उनमें भी आप एन क्या मान सकते हो? एन मान लेता हूँ वो डिविजल बाई 3 प्रूव करना है, तो नंबर क्या मानोगे एन? उस केस में नंबर मान लीजिएगा कि आपके पास जो एन है वो क्या होगा, 3q+r होगा। और वहां पर आर की वैल्यू क्या ले लेना? आर की वैल्यू 0 लेंगे और लेस देन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वहां पर केस क्या बन जाएंगे? वहां केस बन जाएगा कि एन जो अब क्या होगा, 3q क्या हो जाएगा, 3q+0। फिर क्या बन जाएगा, एन बराबर 3q+1 बन जाएगा, और एन बराबर क्या बन जाएगा, 3q+2 बन जाएगा, राइट। तो आप जब एन की वैल्यू ये पुट करके देखें आप तीनों नंबरों में, जो भी नंबर आपको दे रखे हैं, और देखना आप डिविजल बाई 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है उनमें से कोई एक। फिर आप ये पुट करके देखना सभी नंबरों में, देखना डिविजल बाई 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कौन सा नंबर डिविजल बाई 3 हो रहा है, ये देखने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन था आपके पास (n³-n)/(6), उस केस में क्या करोगे? आपको प्रूव करना है कि डिविजल बाई 6 होगा, ठीक है। तो वहां पर भी आप केस बना सकते हो। अब आपके पास (n³-n) क्या प्रूव करना है, डिविजल बाई 6 प्रूव करना है। तो अब आप यहां पर n क्या लेंगे, डिविजल बाई 6 हो जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि आप n लिख लेना कि n आपके पास जो है वो 6q+r है, ठीक है। थोड़े से केस ज्यादा बनाएंगे लेकिन सबसे इजी तरीका रहेगा, 6q+r है। r क्या रहेगा, r के पास जो है 0 रहेगा और लेस देन कितना रहेगा, 6 रहेगा। केस फर्स्ट बना लीजिए, इसमें केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट होगा कि आर की वैल्यू 0 है तो एन बराबर कितना आएगा, 6q आएगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर एन की जगह पर 6q रखेंगे, और तो आप देख रहे हैं कि 6 इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो डिविजल बाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर केस सेकंड ले लेना, सेकंड केस क्या होगा, 6q+1 होगा। 6q+1 यहाँ पर पुट करना, सॉल्व करना, a+b के होल क्यू का फॉर्मूला लगाना, सॉल्व करने पर 6 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, डिविजल बाई 6 होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि (n³-1) है, ये कुछ और नंबर भी आ सकता है। यहाँ पर ये भी नंबर डिविजल बाई 6 है, डिविजल बाई 6 की जगह और भी कुछ नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन समझ गए होंगे सॉल्व कैसे करेंगे, हैं। फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो कॉमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरे को मुझे बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जरूर आएगी। केवल आप सोच रहे हैं कि वीडियो देखने से काम चल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बात जरूर करना कि ये वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते नहीं हैं तो मुझे नहीं पता पड़ता कि आपकी रियली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, राइट। चलिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। हाँ, शाम को 1 घंटे जरूर खेला करें, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पर 1 घंटे जरूर खेलें, ठीक है। टीवी देखने से कोई समस्या ठीक नहीं होगी, टीवी न देखें। टीवी देखने के बजाय आप खेलने की कोशिश करें, बाहर जाके थोड़ा सा खेलें, या इन घर के अंदर भी खेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 घंटे खेलने की कोशिश करें, टीवी से बेटर है कि खेलने की कोशिश करें। टीवी देखने से हमारी थकान दूर नहीं होती, राइट। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।